नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी के लोगों के द्वारा राशन की दुकान में मांसाहार वितरण करने के खिलाफ प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर लोगों के द्वारा कहा गया कि अगर मामले पर शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो आगे चल करके बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि नीति आयोग नई दिल्ली के 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट्स 2035 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फूड आइटम की सूची में अंडा, मांस, मछली एवं चिकन आदि मांसाहारी सामग्री हटाए जाने के लिए दिगंबर जैन समाज पठारी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन तहसीलदार पठारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि विभिन्न समाचार पत्र, इंटरनेट आदि के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग नई दिल्ली एक नए प्रस्ताव पर कार्य कर रहा है। इसके द्वारा राशन दुकानों पर रिच प्रोटीन की आपूर्ति हेतु अंडा, मांस, मछली और चिकन आदि का वितरण किया जाना है। पोषण के मामले में देश की रैंकिंग सुधारने के लिए नीति आयोग सस्ते दामों में उत्पादों को उपलब्ध कराने हेतु एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है और 15 वर्षीय योजना का विजन डॉक्यूमेंट्स 2035 के रूप में नाम दिया जा रहा है। आगामी 1 अप्रैल 2020 से यह योजना चालू होने वाली है और अंडा, मांस, मछली, चिकन आदि मांसाहारी खाद्य पदार्थ हैं जो सोची समझी साजिश के तहत इसमें शामिल किए गए हैं। रणनीति दुष्चक्र के माध्यम से देश के नागरिकों को शारीरिक कुपोषण को दूर कराने के चक्कर में ना समझ ग्रामीण भले अज्ञानी जनों को जहां मांसाहार का सेवन राशन की दुकानों से सब्सिडी देकर उपलब्ध कराया जाएगा, वहीं शासन द्वारा देश भर में मांसाहार को प्रोत्साहित भी किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। मांसाहार भोजन के कारण ही विश्व भर में भयानक और घातक बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ही मांसाहार को बढ़ावा देना दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। गौरतलब है कि देश की संस्कृत आचार विचार की शुद्धता प्राचीन काल से अहिंसक जीवन शैली के अनुरूप चली आ रही है और जिसे नष्ट करने पर आमादा सरकार हो रही है। ज्ञापन सौंपने वालों में जैन समाज के अध्यक्ष राकेश सिंघई, अजय कठरिया, शैलेन चौधरी, महेंद्र जैन, राहुल सिंघई, राजकुमार जैन सहित भारी संख्या में आमजन मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। विजन डॉक्यूमेंट 2035 की 15 वर्षीय योजना के क्रियान्वयन होने से पहले ही पीडीएस सिस्टम के फूड आइटम्स की सूची में से अंडा, मांस, मछली तथा चिकन आदि समस्त मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अविलंब हटाया जाना शुद्ध निर्धारित किया जाए। शारीरिक कुपोषण के शिकार हुए लोगों को शारीरिक पुष्टता के एवं आरोग्य वर्धन को लक्ष्य में रखकर प्रोटीन के अन्य स्रोतों को उससे समाविष्ट किया जाए। हमें विश्वास है कि हमारे विनम्र अनुरोध पर अवश्य ध्यान देकर आप उचित कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान करेंगे। इस विषय में की गई कार्यवाही के प्रति हमें भी उपलब्ध है ऐसी अपेक्षा सागर। सेवा सहकारी समिति सोसाइटी में बेचने को जो किया है, ये निर्णय गलत है, सरकार का निर्णय गलत है और इस निर्णय के खिलाफ हम समस्त ग्रामवासी और जैन समाज के लोग ये ज्ञापन देने आए। इस पर सरकार ध्यान देगी और अगर नहीं देती है तो इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेकर धरना आंदोलन पूरे देश भर में किए जाएंगे। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।